दोस्तों, बाहर देखिए कैसी छम्मा छम बरसात हो रही है। सुहाना मौसम उठ पड़ा है और ऐसे में ये चना दलवड़े या पकौड़े या पकौड़ी, चना दलवड़ा बहुत क्रिस्पी, इसकी आवाज़ सुना देता हूँ कड़ से आवाज़। ऐसे आवाज़ आगे देखिए, ये पकौड़े या वड़े बनाने का चना सही तरीका बताऊंगा, साथ ही साथ एक झकास चटनी बताऊंगा जिसके खाने में चार चांद लगा दिए। ग्रीन वाली चटनी जो आप देख रहे हैं बहुत मस्त रेसिपी है, मेरे मुंह में पानी आ गया, मैं दनादन ठूसा, मैंने ये सच बता रहा हूँ। मैं इंट्रूजिंग नहीं, मिलिए महापुरुष से, ये है चना दाल। इनको मैंने भिगोया है 8 घंटे, नहला धुला के भिगोया है, अच्छी तरह भिगोया है, ठीक है। इसे मिक्सर जार में डाला है, 100 ग्राम चना दाल लिया है मैंने, ठीक है। भिगोने से पहले मैंने एक छोटे साइज का प्याज डाला है और इसे आपको दरदरा पीसना है। ये जो चना दाल आपको दिख रहा होगा ना, अखे अखे चना दाल, वो रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप इसका पेस्ट बना दें, हमें इसका डोसा नहीं बनाना, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। अब इसमें अदरक डाल देना है आपको, 1 इंच अदरक को चॉप करके डालना है, इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। साथ ही साथ हरी मिर्च में भी आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं खानी करनी, जितना आप खाते हैं उतना डाल दीजिएगा। मैंने 4 से 5 डाली है, 2 चम्मच हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद नमक डाल देंगे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब कुछ लोग ज्ञान पे लेंगे कि इसमें ये मसाला नहीं डाला वो मसाला, भाई साहब ये पकौड़ा है, इसकी नेचुरलता बरकरार रहने दीजिए, मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको प्यार से एकदम अच्छी तरह मिलाइएगा, बिल्कुल भी घाई वगैरह मत करिएगा, और फिर इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने बोला उतना ही डालना। अब वो मिक्सर जा रहा है जिसमें हमने पीसा था, इसमें मैंने 1 चम्मच देखिए चना दाल का पेस्ट मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको लगभग 20 पत्ते पुदीने के डाल देने मिंट के, और 1 मुट्ठा हरा धनिया डाल देना है, ग्राम में मैं 50 ग्राम बोल देता हूँ, ठीक है। 1/2 इंच अदरक डाल दियो इसमें, उसके बाद इसमें हरी मिर्च, ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्च डालना, 8 से 10 डाल देना। उसके बाद 1 नींबू का रस ऐड कर दीजिएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल दीजिए। उसके बाद इसमें डालेंगे पानी, और पानी के बाद मेन चीज़, इसको जो हरा अपनी हरियाली देख ली ना मैंने अभी दिखाई आपको, ये बर्फ़ के टुकड़े जरूर डालिएगा, इससे इसकी हरियाली बरकरार रहेगी। लोग बोलते हैं ना कि हमारी चटनी काली पड़ गई, इसी वजह से होती है, बर्फ़ डालिएगा, ये देख लीजिए, इससे ज़्यादा हरा मिलेगा भी नहीं, ताजगी आ जाएगी देख के ही चटनी को मेरे दोस्त, है ना। चटनी बन चुकी है और इसको भी रेस्ट करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गए। अब एक गोला उठाइएगा, जितने बड़ा, ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, बड़ा बड़ा ही रहना चाहिए, मतलब बड़ा बड़ा ऐसे गोल बना लीजिएगा, पहले बना के रख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। फिर जो हमारा ऑयल है वो आपको हाई फ्लेम पे गर्म करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ हाई फ्लेम पे, क्योंकि जब हम इसमें वड़े डालेंगे ना एक एक करके, तब ये इमिजिएटली सेट हो जाएगी, मतलब ये बिखरेगी नहीं, तो इस वजह से ना, मतलब हाई फ्लेम पे डालेंगे तो डालते ही ये 10 से 15 सेकंड में सेट हो जाएगी, बट फिर भी आप 1 मिनट के बाद ही इसे अलट पलट करिएगा, वरना ये इसी में बिखर जाएगी, फिर आपको बटोरना पड़ेगा। अब मैंने इसे हाफ फ्राई करके निकाला है, मतलब आधा पक चुका है, इसे निकालिए, दूसरा लॉट हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सब पक जाए, मतलब फ्राई कर लें, तब हम दूसरी बार इसे फिर से पूरी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। 2 बार फ्राई करिएगा तो ज़्यादा क्रिस्पी आएगी, जैसा मैंने शुरुआत में आपको दिखा दिया है 2 बार फ्राई करने से कैसा होता है। तो इसका कलर आप देख सकते हैं और आपको दाल भी दिख रहा होगा, और ये चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत करारी और झकास रेसिपी है, अगर बारिश चल रही है और आपने कुछ लेके आया ना तो ये बेस्ट चीज़ है, ज़रूर बनाइएगा। मैंने तो बहुत ठूसा है, मतलब सच बता रहा हूँ मैं, मेरे घर में सबने खाया, और ये देखो ये ठूंसता ही रहता है, ये मैं ही हूँ, है ना, आय है, मज़ा आ रहा है ना, ठूंस ले बेटा, क्यों दिखाता रहता है बेटा, तू ही खा ले फिर, हैं।